क्या हाल है भाइयों, राम राम सभी को। तो ये वीडियो एक स्टोरी टेलिंग होने वाली जो कि हमारे पंडित जी दोस्त ने सुनाई थी आपको। उससे पहले मुझे आपसे एक दो बात करनी, लेकिन अगर आपको स्टोरी पे डायरेक्ट जाना तो है कि फ़नी स्टोरी है रियली इंसिडेंट पे, बहुत ही सीखने की भी है, आप मज़ा लेके सीखना इस चीज़ से। उससे पहले मुझे एक दो बात करनी है कि जैसे आज मैंने वीडियो देखी, फ्लाइंग विच ने अपलोड कर रखी अपनी वीडियो अपने चैनल पे कि एक लड़की के साथ 32 लाख का फ्रॉड हो गया, और उसमें वो रिसेंटली बोलते हैं कि न्यूडिटी और लोगों को थ्रेट कॉल्स आते हैं वीडियो कॉल के थ्रू। तो रिसेंटली मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि फेसबुक पे एक लड़की का मेरे पास मैसेज आया, शी सेड कि शी लाइक्स मी एंड उसको मेरे से दोस्ती करनी है, शी नीड्स अ फ्रेंड। तो मैंने कहा ठीक है, मैं नॉर्मली ऐसी बातचीत करने लगा, कौन हो, कहाँ से हो, जानते हो या नहीं जानते। तो वो बोलती है, फिर उसने पता नहीं बीच में क्या है कि मेरे से वीडियो कॉल करो। मैंने कहा कि ठीक है कर लो, मुझे उसकी आईडी फेक लगी रही थी पहले से पहले, तो मैं ज़्यादा इन्फो तो दी नहीं, मैं आई वॉज जस्ट चेकिंग। तो मैंने जैसे उसको वीडियो कॉल करी, वो बोलते हैं जस्ट टेक ऑफ योर शर्ट। तो उससे मैं समझ गया कि ये फेक है और ये गलत चीज़ है, और मैंने उस चीज़ का मतलब कि कोई रिप्लाई नहीं करा। मैंने उसको कह दिया सब, मैं चौथी में करता था, यहाँ नहीं चलने का ये सब। और उससे पहले एक दोस्त का दोस्त है मेरे, तो उसके साथ क्या हुआ, आप देखते होंगे ओमेगल वगैरह साइट और बहुत सारी ऐसी साइट है जहाँ आप स्ट्रेंजर्स को मिलते हो, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा चलती हैं चीज़ें, न्यूडिटी एक्सपोजर्स बॉडी पार्ट का ज़्यादा। तो ऐसी उसको एक लड़की मिल गई रेंडमली, पता नहीं वो फेक थी क्या थी। तो उसने अपना एक्सपोजर किया, तो लड़का भी थोड़ा डेस्परेट और हार्मोनल अटैक से आ गया, उसके हार्मोन्स रिलीज हुए, तो उसने भी थोड़ा सा एक्सपोज कर दिया अपने आप को। तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद उसको एक कॉल आता है, पता नहीं नंबर भी कैसे निकाल ले। तो कॉल पे उसको थ्रेट करते हैं कि मुझे पैसे वैसे दो, अदरवाइज़ हम तेरे घर वालों को नंबर भेज देंगे, वो तेरी फ़ोटो वगैरह भेज देंगे, हमारे पास सब नंबर है उनके। उसके बाद वो लड़का बहुत परेशान हो गया, वो डिप्रेस्ड वगैरह किया, रोने लगा कि क्या नहीं ऐसा फलाना ढिंकाना। तो उसने फिर मेरे जो दोस्त है उसको कॉल किया, उसको बताया, उसको बेस्ट फ्रेंड है कि ऐसे उसको थ्रेट कॉल आ रहे हैं। तो उस दोस्त ने समझाया कि देख तो कितने पैसे देगा, वे एक बार मांगेंगे, दो बार मांगेंगे, फिर मांगेंगे, तो ऐसे तो पैसे देने से तो कोई मतलब नहीं है, और दूसरी चीज़ की अपलोड नहीं करेंगे, और तेरे में ऐसा है क्या जो लोग तुझे इतना देखेंगे और इतना फेमस हो जाएंगे, तो डोंट वरी, तू डायरेक्ट कॉल करके बोल कि तू डाल दे, तुझे जहाँ डालना, हम पैसे नहीं देंगे। उसने ऐसा करा, खैर उसके बाद उसे कोई ऐसा कॉल आया नहीं। तो थोड़ा बेयर रहो और अपने आसपास के लोगों को बताओ, अपने आप ज़्यादा डिसीजन, ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इमोशनली और कई बार डिसीजन गलत हो जाए, तो जस्ट बीवेयर ऑफ दैट। ठीक है, अब स्टोरी टाइम। ठीक है, तो आगे हमें कोई किस, हमें कुछ नहीं पता, ऐसे प्लॉट है कि हमें कुछ नहीं पता। दोस्त की तरह रिसीव किया, खिलाया पिलाया, 5-6 दिन हमारी छाती पे बिठाया, दारू पी ली, खून दबा गए और अचानक आगे लेकिन चले गए। फिर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद ऐसे किसी से सुन रहे कि गायब हो रखे, मतलब घर नहीं गए, ऐसे कहीं कहीं घूम गए। ठीक है, तो भाई हम जैसे मेरा 3rd ईयर चल रहा था, घर गया, ऐसे था छुट्टी का माहौल था, तो एक दो दिन रुका वहां पे, ऐसा होस्टे हो गया था, मैं गया रोहतक, वहां पे मेटाबिया कैंसर का वो चल रहा था, तो मैं दिखा के आ रहा था। तो बाप का फोन आया, कहाँ पे तू, कहाँ पहुंचा, मैं बोला बस जिम पहुंचने वाला, बोला ठीक है चल दिया, आ गया भाई। ठीक है, घर तक पहुंचा नहीं था मैं, दादी बस ऐसी था कि बस्ता ही रखा था, जब तक बार बार कॉल पर बोल कि कहाँ रह गया, कहाँ रह गया, मैं बोला क्या हो गया, तो एक काम कर इस थाने आ जा। ठीक है, फड़का हो गया मेरे। ठीक है, फिर मैंने 2-3 दोस्तों का मिस कॉल भी आ रखी थी उस टाइम, लगे वो सबसे कॉन्टेक्ट किए, पता लगा ऐसा ऐसा सीन है, भाई ने किसी का मर्डर कर रखा। ठीक है, मर्डर कर रखा, प्रॉपर रियल स्टोरी है, कोई फेक नहीं इसमें। ठीक है, भाई ने मर्डर कर रखा, भाई मध्य प्रदेश नक्सली इलाके में जंगलों में पकड़ा गया, विद 20 या 22 लाख ऐसा कुछ बताया गया था, 20 लाख रुपए कैश कुछ था, और कुछ वही क्या बोलते हैं, 2 नाली वगैरह और एक थी राइफल टाइप। ठीक है, इल्लीगल, सब इल्लीगल है। ये पकड़े गए मध्य प्रदेश, फिर इनको हरियाणा लाया गया, और जिंद का ही बंदा था, मर्डर जिंद में हुआ था, तो अपना पिताजी क्राइम ब्रांच में। तो सारा प्लॉट होता स्टोरी है। ठीक है, तो कहीं से पता लग गया कि मेरा दोस्त निकला, फिर पता लग गया मेरे रूम पे आया था, तो हम रहते थे 6 बंदे, बता रखा मैंने 3 बंदे। ठीक है,
जो उल्टे पुल्टे सारे कांड सबको तो लग गए ए टू जेड, क्राइम ब्रांच रिपोर्टिंग कहीं हो रही कर रहा है। रिपोर्टिंग तक तो पहुंचे ही नहीं, मैं क्या बढ़िया बाइक लेके टुन टुन कि कहीं तो देखा क्या चल रहा है। मैंने एक लड़का और बिठाया, गए थाने पर। पता था सभी पहले है? नहीं, आधी स्टोरी पता थी, आधी स्टोरी नहीं पता, ना दोस्तों ने बताया। नहीं नहीं नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। अब आज था नहीं, इतना पता लगा कि इतना पता हो गया कि भाई इसने कुछ कांड कर लिया बस, ठीक है, रुकना आ रहे बस ऐसे ही। हाँ, लेकिन इतना नहीं पता ना, हमसे पहले कार रुक गए, हमसे पहले बाद में हमसे निकल गया हमारे रूम से। वो कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, क्या किया, किससे क्या खाया पिया, किसके बस कॉन्टेक्ट तो आ गया, बस हमारा सर्कल था या ऐसा लगा लिया, हमारे बैचमेट थे स्कूल में, तो रुकने आ गए, तो रुकने आए, ठीक है। फिर भाई साहब मेरी तो बिगिनिंग और एंडिंग यही खत्म हो गई थी। मैं तो थाने में बस मोटरसाइकिल ही खड़ी करके मैं तो साइड आया, मेरे बाप अलग मोटरसाइकिल पर था किसी के साथ, ठीक है। ओ भाई, ओ उसके बाद भाई मुझे नहीं पता कितनी स्पीड से थप्पड़ आया था और कितने ऐसे बड़बड़ ऐसे लगे थे, और प्योर सिंघम सिंघम स्टाइल में मारे हुए। यहाँ पे तो मैं छिदली और भाई साहब मेरा दोस्त जो मेरे साथ आया, मैं ऐसे देख रहा कहाँ गया, वो दिखा नहीं मुझे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे फिर जो तो ठीक है, तो भाई मेरा वहां तो लाड़ प्यार दिखा के चला गया अंदर। फिर धीरे धीरे सारी जनता इकट्ठी हो रही कि पहले एक भाई अपने बाप को लेकर आ रहा, फिर कोई अपने दोस्त को लेकर आ रहा, कोई अपनी माँ को लेकर आया। फर्स्ट से सारे ऐसे गए थे, प्रॉपर छह के छह जो रूममेट थे ना, एक बंदा बाहर का था, मतलब अदर स्टेट का था, और सारी जींद के होम टाउन के, तो सारे आए। वे भी आए जिन्होंने पकड़े ही गए थे ना, मतलब पकड़े गए थे, जेल में बंद थे, इसे यूपीएसआई बना दो, कॉमन सेंस के लिए, ठीक है। तो भाई बैठे, मेरा हालचाल पूछा, मेरे वही मार्क्स थे, मेरे साथ हरासमेंट हो चुकी थी पहले ही। लव बाइट्स दे दी थी, मेरी लव बाइट्स पहले आ गए थे। फिर वही बात है कि भाई सारे खड़े हुए, सारों को अंदर एक टाइम पे ले गए कि ये प्रॉपर इन्होंने ऐसे पूछा, क्या खा के गए, कितने पैसे दे, कितने पैसे तेरे से ले के गए, कितने पैसे तुम्हें दे के गए, लड़कियां आती थी नहीं आती थी, सब वो भाई साहब पट रहे पट रहे कि हाँ जी बाबू जी लड़कियां भी आती थी इनके, यहाँ दारू पी थी हमने और सरकार का काम था। मेरा बाप वही एक बार 200 डिग्री टेम्परेचर गया, फिर 400 डिग्री गया, ठीक है। मेरा बाप ने वही बस इतना पड़ता यहाँ पे मारा नहीं, आके बुलाया, और उस जो था ना उस भाई का नाम पता नहीं है, सुमित है कि अमित है, कुछ ऐसा ही नाम है, ठीक है। आप पंडित पंडित भाई बुलाया करते उसको, उसने बुलवाया कि दारू पी गए वो, उसने भाई मंगवाया शुगर, उसने मना कर दिया, छोरी बुलाया करता, उसने पता नहीं कर दिया, मैं यहाँ पर फंस गया, यहाँ पर अपनी धज्जिया उड़ गई, ठीक है। मेरे बाप ने पूरी ऐसे पूरी इंस्पेक्शन करी भाई साहब ने किया, ठीक है। औरों से मतलब नहीं था, औरों का तो क्लियर हो गया, ना इन्होंने कुछ करा, इनका दोस्त था और आगे चले गए। मैं जैसे ही जाने लगा तो पीछे से आया, मुझे कैसे जाएगा, चाबी दे, मैं बोले लो चाबी, जा पैदल 5 किलोमीटर दूर घर, अपन मस्त पेट छेद के वही सोच रहा है कि कोई तो लिफ्ट देगा इस गली को। तो फिर वही है आखिर समय पे भाई दोस्ती काम आवे, घर तक छोड़ के आया, दोस्त काम आवे, दोस्त पिटवावे दोस्त, मुझे अच्छा लगा भाई। तो तेरा भी नंबर आवेगा, स्टोरी एंडिंग आएगी भाई, आवेगा तेरा भी।